I see many Muslims listen to Islamic songs, Naat, which praises Allah subhanahu wa ta'ala and involves musical instruments and says it's not haram where Allah is being praised. So please clarify on this. सवाल ये है कि म्यूज़िकल नात, ऐसी नात या नशीद जिसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हों तो क्या है और लोग इसे जायज़ भी कहते हैं. तो हाँ, ये तो पेशनगोई पूरी हुई जो सही बुखारी की हदीस है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शराब को अलग अलग नामों से पुकारेंगे और हलाल कहेंगे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कहेंगे. तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कहने वाले जब लोग अगर आज आए हैं तो ये तो पेशनगोई पूरी हो रही है. जहाँ तक ये सवाल है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या जायज़ है नाजायज़ है, तो बहुत स्ट्रिक्ट हदीस है इस बारे में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी हाज़िहिल उम्मा ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन, इस उम्मत में कुछ लोग ज़मीन में धसा दिए जाएंगे, व मस्ख़ुन उनके चेहरे बदल दिए जाएंगे और उन पर पत्थरों की बारिश होगी. सहाबा ने पूछा मता ज़ाका या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात, जब गाने वालियाँ आ जाएगी, आम हो जाएगी, वल माज़िफ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आम हो जाएंगे, वह शुरीबतिल खुमूर और शराब आम तौर पर पिया जाने लगेगा. हदीस तिरमिदी में सही सनद से है. इस हदीस की कॉमेंट्री में स्कॉलर्स बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा फ़ी हाज़िही उम्मा, इस उम्मत में, यानी ख़ास तौर से मुसलमानों की बात हो रही है क्योंकि नॉन मुस्लिम्स में तो ये चीज़ें पहले से आम हैं, लेकिन मुसलमानों में जब ये चीज़ आम होंगी तो उन पर यह सज़ा के तौर पर दुनिया में आने लगेगी. हाँ, ये बात भी है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, इसमें नॉन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कभी कभार जो थ्रोट के साउंड से कुछ म्यूज़िकल साउंड्स निकाले जा सकते हैं या कुछ दूसरे और तरीकों से किया जा सकता है. तो इस चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि स्कॉलर्स ये कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैसे सॉन्ग्स के आगे उनको लिखना पड़ता है नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड. क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है. तो कहते हैं कि भाई सुनने में जो चीज़ के करीब लग रहा है, अगर साउंड्स ऑफ द थ्रोट के करीब लग रहा है कि भाई आवाज़ में बात कर रहा हूँ, अब ये आवाज़ हलाल एक चीज़ है जो आप तक पहुँच रही है, तो आवाज़ ऑफ द साउंड के करीब लग रही है या वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी लग रही है, तो जिस चीज़ के जैसी लगती है उसका हुक्म वही होगा. शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह और दूसरे स्कॉलर्स ने जब देखा कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है तो उन्होंने बाद में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा कि इस चीज़ से बेहतर है बचे ही, क्योंकि ये ट्रेंड कहाँ है कि बैकडोर एंट्री ऑफ म्यूज़िक है, इस्लामिक रीपैकेज करके एक हराम चीज़ को दिया जाए. तो हम सबको बचना चाहिए क्योंकि मेन चीज़ क्या है, वो जिक्र से दूर करती है वो चीज़, अल्लाह की याद से, जिक्र और दुआ से वो चीज़ें अक्सर लोग उसमें दूर होने लगते हैं. तो बेहतर है कि कोई चीज़ ज़ुबान पे गुनगुनाने आदमी लगता है फिर वो टंग उसी में बिजी हो गई, तो वो एक मकसद जैसा म्यूज़िक का होता है, गाने बजाने का होता है, वैसा सिमिलर ही मकसद उसका हो जाता है, ज़ुबान कहीं और बिजी हो गई. तो हमारी ज़ुबान जो जिक्र अस्कार में बिजी हो वो ज़्यादा बेहतर है. बाकी अल्लाह आलम. फैज़ भाई से